हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैं काम करता हूँ। गाइस, जब मैं कल घर से चला था तो रानीखेत जो था वो हमारा रास्ते में पड़ता था, जिसकी वीडियो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बना के दिखाई थी। तो गाइस, आज मैं दिखाने वाला हूँ मैं क्या करता हूँ और कहाँ रहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो मैं जिला मुरादाबाद, तहसील ठाकर द्वारे के छोटे से गाँव भाईपुर में रहने वाला हूँ। मेरा नाम अकरम है और मैं काम एक राजमिस्त्री चिनाई का काम करता हूँ। और मैं आपको यही सब चीज़ दिखाने वाला हूँ कि मैंने ये काम किया है और इसके बारे में सब चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, मैंने कैसे कैसे ये सारा काम किया है। असल में मैं तो एक मिस्त्री का काम करता हूँ, लेकिन जो हमारे चचेरे भाई हैं अकील ठेकेदार, उनके पास मैं काम करता हूँ। वो मेरे सगे चचेरे भाई हैं, उनके पास मैं काम करता हूँ। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या काम करता हूँ, और मैं ऐसी ही वीडियो में बने रहें और मेरे हर ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें, और मैं तुम्हें ऐसी ही वीडियो स्पेशल वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, और आप लाइक करते रहें और मेरा सपोर्ट करें। तो गाइस, मेहनत करना तो मेरा फर्ज है, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर तक मेरे चैनल को ग्रो करवाने का सारा काम आपके ऊपर है। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, मैं दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे ये घर नक्शे के द्वारा बनाया। तो गाइस, दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे हमने ये घर बनाया है। तो गाइस, ये है हमारा ड्राइंग रूम, और मतलब जैसे हाउस में कोई एंटर करते हैं तो यहाँ पे पड़ता है हमारा ड्राइंग रूम। वो ड्राइंग रूम पे हमने बनाई है लॉबी में आने के लिए आर्च। ये देखो, ये आर्च बनाई है हमने ड्राइंग रूम में, और ये हमारी लॉबी है पूरी, ये लॉबी है। और यहाँ पे हमारा आ गया फर्स्ट रूम, ये हमारा फर्स्ट रूम आ गया इधर, ये उसको इधर को विंडो आ गई। ये हमारा फर्स्ट रूम है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये किचन है, ये छोटी किचन बना रखी है घर के हिसाब से, जैसे घर होता है उसी के हिसाब से किचन बनानी पड़ती है। ये पूरी किचन बना रखी है। और ये आ गया हमारा सेकंड रूम, किचन के बाद आ गया हमारा सेकंड रूम। और इधर को हमारा अटैच में आ गया हमारा लैट्रिन बाथरूम, ये लैट्रिन बाथरूम आ गया। गाइस, ये अभी चिनाई हो रही है, तो इस चिनाई को मैं अभी करूँगा, और यहाँ पे एक चौखट लगेगी, इसकी चौखट अटैच हो गई, रूम से अटैच, वो वहाँ पे मैं चौखट लगाऊंगा अभी। तो उसकी चिनाई अभी मैंने रंगत की है उसकी, तो वो चिनाई चल रही है। और मैं दिखाता हूँ आपको दूसरा रूम। तो गाइस, एक रूम ये हो गया हमारा फ्रंट पे, यानी रास्ते के पास। तो ये हमारे तीन रूम, एक किचन और लॉबी और लैट्रिन बाथरूम, ये हमारा घर का नक्शा है। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको स्टेयर वाला। तो गाइस, यहाँ से शुरू होता है हमारा स्टेयर, ये स्टेयर है हमारा ऊपर जाने के लिए। तो गाइस, अभी यहाँ पे इसका जो है ममटी का लिंटर पड़ेगा, तो इसके लिए अभी ढोला होया हुआ है शटरिंग, जिसको शटरिंग बोलते हैं। तो गाइस, ये सिंगल फ्लोर है, और सिंगल फ्लोर पे ये ममटी है, एक दू छती, ये ममटी हो गई। और गाइस, यहाँ पे ये पहाड़ों के बीच में एक घर बना हुआ है, यहाँ पे सब में बस्ती है। और क्या बोलते हैं, उधर जो है हमारा दूनागिरी पहाड़ चमक रहा है, वहाँ पे दूनागिरी मंदिर है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है अपनी आँस लेकर मंदिर पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर पूजा करते हैं, दुआएँ मांगते हैं। तो गाइस, ऐसी ही वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा, और मैं आपको चौखट लगा के दिखाऊंगा, और अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो सपोर्ट करें और बने रहें मेरे ब्लॉग के साथ, मैं आपको ऐसे ही नए नए अपडेट देता रहूँगा। तो थोड़ी देर के लिए हम मिलते हैं बाद में।
कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्यार मेरे साथ है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि कल मैं इसमें चिनाई करूँगा, चौखट लगाऊंगा और ये पार्टीशन कर दूंगा, लाइटिंग लगा दूंगा, तो ये मैंने कर दिया है। तो दोस्तों बस मेहनत कर रहे हैं और सपोर्ट की आपकी ज़रूरत है, तो दोस्तों चैनल में बने रहना और सब्सक्राइब करते रहना।